हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे, सिर्फ 10 दिन बचे हैं यूएई वीजा एमनेस्टी के लिए, क्या अपडेट्स आ रहे हैं सामने। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, सिर्फ 10 दिन का कोई एक्सटेंशन का न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 31 अक्टूबर 2024 तक यूएई वीज़ा एमनेस्टी ऑफर चलेगा। बार बार ये जो सोशल मीडिया है या फिर न्यूज़ है या फिर दूसरे अदर चैनल्स है यूएई गवर्नमेंट के, वहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि जो भी लीगल वे में यूएई के अंदर रह रहा है वो लीगल हो सकता है, अपना स्टेटस चेंज कर सकता है। तो आप लोग सामने आइए और इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आने वाले सालों में इतनी जल्दी ये ऑफर नहीं आएगा। तो देखिए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वर्क वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। पूरा वर्क वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके की वायलेशन है तो आप वहाँ पर जाइए, एनरोल कराइए। दूसरी जॉब अगर आपके हाथ में है और वीज़ा प्रोसेस भी हो गया है तो भी आपका जो है फाइन वो माफ़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग काफ़ी चीज़ें पूछ रहे थे कि मेरे ऊपर ये फ़ाइन है, मेरे ऊपर ये फ़ाइन है, क्या ये माफ़ होगा। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूँ कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का इमिग्रेशन फ़ाइन है तो ही ये माफ़ होगा। अदर फाइन यानी कि बैंक से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड, उसके बाद किसी भी तरीके की केस में जहाँ पे आपको पैसे देने हैं, फ़ाइन देने हैं, पुलिस फ़ाइन हो गया या फिर और भी अनएम्प्लॉयमेंट जो आया था अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों के ऊपर फाइन्स आए हैं। अगर ऐसे टाइप के फाइन्स हैं तो वो पहले आपको पे करने होंगे, उसके बाद आप इसमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं। जब आप एनरोलमेंट कराने जाएंगे तो आपका पूरा स्टेटस चेक किया जाएगा कि क्या आपके ऊपर किसी भी तरीके का फ़ाइन है, किसी भी तरीके का केस है। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ इमिग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपका आगे एनरोलमेंट का प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपका इमिग्रेशन का जो भी ओवरस्टे का फ़ाइन है, अदर वायलेशन का फ़ाइन है, वो आपका वहाँ पर माफ़ हो जाएगा। तो बहुत लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि सिर्फ 10 ही दिन बचे हुए हैं। तो अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को इस समय पे लीगल कर लीजिए। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।